नमस्कार दोस्तों, गेट सक्सेस 247 के एक और न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी के लिए फिर से लेके आ चुका हूँ राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज़ का पार्ट नंबर 5। आज फिर से आपके टॉप 20 क्वेश्चन होने वाले हैं। राजस्थान के सभी एग्जाम्स में यूजफुल रहेगा ये वीडियो। राजस्थान पुलिस कॉन्स्टेबल, पटवारी, हाईकोर्ट रेट, RPSC, RSMSSB व राजस्थान के सभी एग्जाम्स में जिसमें भी राजस्थान जीके पूछी जाती है सभी में यूज़फुल रहेगा। तो वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि अलवर के आसपास का क्षेत्र प्राचीन समय में निम्न में से किस नाम से जाना जाता था। चार ऑप्शन देख लीजिए, साल्व प्रदेश, डांग क्षेत्र, मालखेराड़ या फिर सुरसेन। बताइए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो जी हाँ दोस्तों, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, साल्व प्रदेश। अलवर के आसपास का जो भी क्षेत्र था वो प्राचीन समय के अंदर साल्व प्रदेश नाम से जाना जाता था। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन कि चित्तौड़गढ़ के भैंसरोड़गढ़ से भीलवाड़ा के बिजोलिया तक का पठारी भाग रियासत काल में किस नाम से जाना जाता था। चार ऑप्शन है, उपरमाल, मगरा, भोराट या फिर लसाड़िया। तो ए ऑप्शन अगर आपने टिक किया तो एकदम सही किया है, उसे जाना जाता था उपरमाल के नाम से, यानी कि चित्तौड़गढ़ का जो भैंसरोड़गढ़ है वहाँ से लेके भीलवाड़ा के बिजोलिया तक का पठारी भाग क्या कहलाता है, उपरमाल। तीसरा क्वेश्चन कि पन्नालाल शाह का तालाब कहाँ स्थित है, अलवर, उदयपुर, हनुमानगढ़ या फिर झुंझुनू। बताइए फटाफट से कहाँ पे है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपने डी ऑप्शन टिक किया है तो एकदम सही किया है, झुंझुनू में। झुंझुनू का खेतड़ी एरिया आप सभी को पता है ना, खेतड़ी इलाका, तो वहाँ पे है पन्नालाल शाह का तालाब। चौथा क्वेश्चन कि पश्चिमी बनास नदी का उद्गम स्थल कौन सा जिला है, पाली, जालोर, डूंगरपुर या फिर सिरोही। तो कौन सा दोस्तों इसका उद्गम स्थल वाला जिला, सिरोही, यानी कि डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। सिरोही के अंदर नया सानवारा की पहाड़ियाँ हैं, नाम पढ़ लेना, नया सानवारा की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ से इसका उद्गम होता है पश्चिमी बनास नदी का। पांचवा क्वेश्चन कि DC जोशी के अनुसार राजस्थान में कितने मृदा खंड हैं, 10, 13, 16 या फिर 19। तो कितने मृदा खंड है दोस्तों, 13। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, किसके अनुसार, DC जोशी के अनुसार। छठा क्वेश्चन कि केकड़ी नगर पालिका किस नगर निगम के अंतर्गत आती है, जयपुर, भरतपुर, अजमेर या फिर बीकानेर। तो किस नगर निगम के अंतर्गत आती है दोस्तों, अजमेर। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सातवां के राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किसे देता है, जिला कलेक्टर, जिला प्रमुख, उप प्रधान या फिर संभागीय आयुक्त। बताइए फटाफट से चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होगा आपके लिए। तो अगर आपने बी ऑप्शन टिक किया है तो एकदम सही किया, जिला प्रमुख। राजस्थान में जो पंचायत समिति होती है उसका जो प्रधान होता है वो अपना इस्तीफा देता है जिला प्रमुख को। आठवां क्वेश्चन के राजस्थान में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया तब राज्य के राज्यपाल कौन थे, हुकुम सिंह, जोगिंदर सिंह, संपूर्णानंद, रघुकुल तिलक। तो कौन थे दोस्तों उस समय के राज्यपाल, संपूर्णानंद, यानी कि सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन के संविधान में राज्य के मुख्यमंत्री के कर्तव्य निर्धारित है किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 163, 213, 157 या फिर 167। बताइए फटाफट से कौन सा अनुच्छेद होगा वो। तो जी हाँ दोस्तों, नौवें का जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनुच्छेद 167। दसवां क्वेश्चन के 16वीं लोकसभा में राजस्थान से कितनी महिलाएं चुनी गई थी, 1, 2, 3, 4, फटाफट से बताइए कितनी चुनी गई थी।
देखिए 15वीं जो लोकसभा थी ना उसके अंदर राजस्थान से 3 महिलाएं चुनी गई थी, 15वीं की बात बता रहा हूँ। अब यहाँ पे पूछा है 16वीं की, तो 16वीं लोकसभा से चुनी गई थी मात्र एक, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 10th का ये हो जाएगा। कौन थी? संतोष अहलावत। तो उनका जो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र था वो था झुंझुनू और ये थी भाजपा की, है ना, भाजपा की थी, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र था झुंझुनू और नाम था उनका संतोष अहलावत। आज का हमारा 11वां क्वेश्चन के बूंदी में रंग महल का निर्माण किसने करवाया, रतन ने, भाव सिंह ने, छत्रसाल ने या फिर माधो सिंह ने? तो किसने करवाया दोस्तों? छत्रसाल ने, यानी कि सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। आज का हमारा 12वां क्वेश्चन के पटवों की हवेली स्थित है, हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों को पता हो कि ये कहाँ पे है, इजी क्वेश्चन भी हो सकता है लेकिन ये इंपॉर्टेंट बहुत है क्योंकि बहुत बार आपके एग्जाम में आ चुका है कि पटवों की हवेली कहाँ पे स्थित है। यह है दोस्तों जैसलमेर के अंदर, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन के बड़वा ग्राम जो कि है कोटा में से कितने मोखरी यूप अभिलेख प्राप्त हुए हैं, कितने मोखरी यूप अभिलेख प्राप्त हुए हैं ये आपको बताना है, 5, 3, 4 या फिर 7। तो कितने प्राप्त हुए दोस्तों? 3, यानी कि बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 14th क्वेश्चन के राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान कहाँ स्थित है, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर या फिर अजमेर, बताइए कहाँ पे स्थित है। तो जी हाँ दोस्तों, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ये स्थित है दोस्तों जोधपुर के अंदर, है ना, राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान। 15वां क्वेश्चन के 31 अंदा रुपया राजस्थान के कौन सी टकसाल में बनता था, जोधपुर, सोजत, कुचामण या फिर मेड़ता, किस टकसाल में बनता था फटाफट से बताइए। तो अगर आपने सी ऑप्शन टिक किया तो एकदम सही किया है, यह बनता था कुचामण टकसाल के अंदर। 16वां क्वेश्चन के शार्दुल राजस्थान रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किसने की, दशरथ शर्मा, रायचंद, जेम्स टॉड या रामकर्ण आसोपा ने, बताइए फटाफट से, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो किसने की दोस्तों इसकी स्थापना? दशरथ शर्मा ने, यानी कि ए ऑप्शन आपका यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। आज का हमारा 17वां क्वेश्चन कि पोथीखाना संग्रहालय कहाँ पे स्थित है, उदयपुर, जयपुर, जैसलमेर या फिर जोधपुर, बताइए फटाफट से कहाँ पे स्थित है पोथीखाना संग्रहालय। तो दोस्तों ये स्थित है जयपुर में, यानी कि बी ऑप्शन आपका यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन के डॉक्टर डी आर भंडारकर ने गुहिलों को किस वंश से उत्पन्न माना है, हूण जाति से, विप्रवंशी नागर ब्राह्मण से, यूची यानी कि कुषाणों से या फिर वैदिक आर्यों से, किस वंश से उत्पन्न माना है फटाफट से बताइए गुहिलों को डॉक्टर डी आर भंडारकर ने। तो क्या होगा दोस्तों आपका यहां पे करेक्ट ऑप्शन बी वाला, विप्रवंशीय नागर ब्राह्मण से उत्पन्न माना है गुहिलों को। अगला क्वेश्चन, 19वां के आबू के परमारों की वैभव युक्त राजधानी कौन सी थी, सिरोही, पिंडवाड़ा, शिवगंज या फिर चंद्रावती, बताइए फटाफट से 4 ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होगा। आबू के परमारों की वैभव युक्त राजधानी कौन सी थी? तो दोस्तों 19वें का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी वाला, चंद्रावती। आज का हमारा 20वां क्वेश्चन के राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी कौन सी थी, मेड़ता, जालोर, भीनमाल या फिर मंडोर, तो कौन से थे दोस्तों हरिश्चंद्र की राजधानी? मंडोर, डी ऑप्शन आपका यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों अगर आपको कोई भी पर्सनली डाउट पूछना तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, RATHORE11ABHI, ये इंस्टाग्राम का यूजर नेम है। साथ ही साथ फेसबुक पेज, टेलीग्राम पेज और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके उन्हें भी फॉलो कर लीजिए।
तो दोस्तों आज के आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए कि आपके कितने सही और कितने गलत हुए, क्या रहा आपका टोटल स्कोर। ये आपकी टेस्ट सीरीज़ का पार्ट नंबर 5 था। इससे पहले मैंने 4 टेस्ट सीरीज़ दे दी है, चारों जाके आप ट्राई ज़रूर करना, उनमें भी आपका जो भी स्कोर रहता है वो भी आप ट्राई करो, क्योंकि टेस्ट सीरीज से आपको पता चलता है कि आपकी तैयारी किस हिसाब से चल रही है। और दोस्तों ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो, पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक जरूर करना। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं एक वीडियो में।